जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में। आपके साथ मैं जानवी। आइए चलते हैं झांसी की कुछ मुख्य खबरों की ओर। झांसी में कोरोना महामारी के दौर में लॉकडाउन ने शहर हो या गांव में जनमानस के साथ साथ पशु पक्षियों को भी परेशान कर दिया है। ऐसे में सर्वाधिक अभाव ग्रस्त जंगल के जीव जंतु हैं, जिनकी किसी को सुध भी नहीं है। इनकी सुध ली झांसी के समाज सेवी संदीप सरावगी ने, क्योंकि वे मानव सेवा के साथ पशु पक्षियों की सेवा को भी मानवता का धर्म मानते हैं। संदीप सरावगी ने आज झांसी के सीमावर्ती मध्य प्रदेश के ओरछा के वीरान जंगल में बेजुबान बंदरों को भोजन कराकर आत्मिक शांति महसूस की। उन्होंने भगवान राम राजा की नगरी से सटे जंगल में भूखे बंदरों को केला और चने खिलाए। इस दौरान वहां बंदरों का समूह उमड़ पड़ा। इस दृश्य को वहां से गुजर रहे पत्रकार ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। बंदर संदीप के हाथों से केले लेकर भाग रहे थे और झुंड के झुंड में वे अपनी भूख मिटा रहे थे। इस दौरान संदीप सरावगी ने बताया कि वे अपने सहयोगी साकेत के साथ यहां आए हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के चलते ओरछा पृथ्वीपुर मार्ग से आवागमन बंद है, क्योंकि प्रदेश की सीमा को पूर्णतः बंद रखा गया है। ऐसे में इस रास्ते में जंगल में रहने वाले हजारों पशु भूख से तड़प रहे हैं। इसकी जानकारी लगने पर वे यहां पहुंचे हैं। उन्होंने केले व चने का वितरण किया, इससे उन्हें आत्मिक शांति महसूस हुई है। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट।